कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे? मैं ठीक। मैंने सोचा मैं आपको मुबारकबाद देना ही भूल गया था। कोई बात नहीं, हसीब ने भी नहीं दी, बल्कि उन्होंने तो मुबारकबाद की जगह कुछ और ही भेज दिया। लेकिन आपको एक उम्मीद तो है ना सब कुछ ठीक होने की? हो सकता है इस बच्चे के पैदा होने के बाद आपकी खुशियां फिर से लौट के वापस आ जाए। हो सकता है अल्लाह ताला ने आपकी खुशियां ऐसी तरह लिखी है। अच्छी उम्मीद दिला रहे हो मुझे। अरे आप ही, मैं सच कह रहा हूँ, इतने अरसे में कुछ भी हो सकता है। हसीब भाई अपना इरादा भी बदल सकते हैं। ताल्लुक फिर से जुड़ सकता है शायद, मोहब्बत नहीं। शायद आप सही कह रही, इसीलिए तो आशी भी मुझसे तलाक चाहती है। क्यों? वो ऐसा क्यों चाहती है? शायद सब लड़कियां एक जैसे सोचती है मायदा पे। उसको भी ये लगता है कि मोहब्बत दोबारा नहीं हो सकती। मैं मिल चुकी हूँ उससे, जान सकती हूँ उसके मिजाज को। वो मोहब्बत करती है तुमसे, लेकिन वो मालिकाना मोहब्बत करती है। ऐसा ही है, लेकिन अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। माफी मांगो उससे। आपको लगता है कि मैंने माफी नहीं मांगी होगी? तो फिर तब तक माफी मांगो जब तक वो तुम्हें माफ ना कर दे। आप क्या कह रहे हैं रहमान साहब? आपको यकीन है कि सिकंदर हमारी कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहा है? ठीक है, आप उससे कुछ मत कहिएगा, मैं कल सुबह सुबह ऑफिस आ रही हूं। ऑल राइट, खुदा हाफिज। अम्मी, वो मेरे जहन में ख्याल आ रहा था। कैसा ख्याल? कि क्यों ना हम हसीब भाई को बिजनेस में से अलहदा कर दें। वो क्यों? क्योंकि बिजनेस बाबा का सेट किया हुआ है, हसीब भाई का तो नहीं। उस पर आपका ज्यादा हक है अम्मी। अरे तो फिर संभालेगा कौन? सलमान संभालेगा और कौन? नहीं नहीं फरियाब, ये मुझसे नहीं होगा, इतना बड़ा फैसला। क्या बात कर रही हो? क्यों नहीं होगा? अरे मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं अपने बेटे से कारोबार लेके किसी और के हाथ में थमा दूं। क्या मतलब है आपका? सलमान कोई और है क्या? आपका होने वाला दामाद है वो। जो भी है, मुझसे ये नहीं होगा, सुन लिया तुमने? ठीक है, फिर बैठ के भुगते दोनों मियां बीबी।